अच्छी तरह से बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी रखी इस बाइक के अंदर, और इसका जो वेट है वगैरह वो तुमको है ना इस बाइक के अंदर ज्यादा 4200, और यहाँ पे जिसकी सेकंड सर्विस है वो भी आ सकती है। तो ये बाइक इतनी फिटिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे गैप है, इस जगह पे गैप है, तुम देख रहे हो इस जगह पे गैप है, बट इस जगह पे है ना गैप नहीं है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे इस जगह पे गैप नहीं है और बट इस जगह पे गैप है। इस बाइक के अंदर ना बेस मिलने वाला है, तो हेलो गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, होप करता हूं तुम सब एकदम बढ़िया होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं RS200 के राइडिंग एक्सपीरियंस, 4-5 महीने इस बाइक को राइड किए हुए हो चुके हैं और 4000 किलोमीटर इस बाइक को भी हो चुके हैं, 4200 किलोमीटर हो चुके हैं, तो अपन इसके बारे में तुमको मैं पूरा रिव्यू दूंगा। इससे पहले जो वीडियो थी वो 3 महीने पहले बनाई थी मैंने, जब मेरी बाइक के 3000 किलोमीटर कंप्लीट हुए थे, बट आज जो मतलब कि मेरे बाइक के 4 से 5 महीने कंप्लीट हो गए पूरे, अक्टूबर के लास्ट में ली थी मैंने, अभी मार्च का स्टार्टिंग हो गया मतलब मिड हो गया है, तो है ना। अब अपन बात करने वाले हैं कि इस बाइक के 4000 किलोमीटर चलने के बाद इसका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या इसके अंदर क्या जो मेरे को प्रोस दिखे, क्या कॉन्स दिखे, क्या एडवांटेज रखे, क्या डिसएडवांटेज लगे, क्या क्या इसके अंदर मेरे को खराबी लगी, तुमको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और मतलब कि मैं खुद का रिव्यू बताऊंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस क्या रहा, इस बाइक के साथ रिव्यू क्या रहा, इस बाइक ने कितना साथ दिया, क्या क्या इसका एक्सपीरियंस रहा, इस पूरी वीडियो में तुमको पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो इस वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जल्दी से अपन शुरू करते हैं और चलते हैं। तो जैसे कि मैंने तुमको पहले रीडिंग दिखाई थी मेरी बाइक की, उस टाइम 3000 किलोमीटर थी, अब मैं तुमको एक बार रीडिंग दिखा देता हूँ, तुमको राइडिंग एक्सपीरियंस बताने से पहले तुमको पूरा जो तुम देख पा रहे हो कि जो इसके अंदर मीटर कंसोल है इसके अंदर तुम देख पा सकते हो आराम से, यहाँ पे चल चुकी है अपनी बाइक 4210 किलोमीटर चल चुकी है, ओडोमीटर है यहाँ पे, और ये जो है 4200, और यहाँ पे जो इसकी सेकंड सर्विस है वो भी आने वाली है अभी कुछ टाइम में, तो है ना तुमको मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ मेरा, क्या क्या मतलब कि क्या ऐसी इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स लगी, तो अपन इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं, बात करते हैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, अपन ऐसा नहीं करेंगे दो वीडियो बनाएंगे एक वीडियो के अंदर पूरी वीडियो कंप्लीट कर देंगे, तो ये शायद वीडियो भी बड़ी हो सकती है, बट तुम इस वीडियो को पूरा देखना तो तुमको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तुमको एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं इस बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। बाइक को हर जगह राइड किया, जैसे कि मैंने इसको ऑफ रोडिंग भी करी, इसको ट्रैक पे भी चलाया, दिल्ली में भी हाईवे चलाया, इसकी टॉप स्पीड सब कुछ चेक किया है, तो मैं इसका खुद का मतलब कि राइडिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ऑनरशिप भी दे रहा हूँ इसके अंदर कि जो मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस था ना बहुत अच्छा रहा। तुम इस बाइक को ना एग्रेसिव भी राइड कर सकते हो और इसको नॉर्मली भी राइड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि R5 वगैरह उसके अंदर टिल्ट होकर तुमको राइड करना पड़ेगा, बट इस बाइक के अंदर ऐसा सीन है कि तुम इसको आराम से अपनी बैकबोन सीधे रखे भी इसको आराम से राइड कर सकते हो, तुम इसके अंदर दोनों स्पोर्ट्स बाइक वाला फील भी ले सकते हो और नॉर्मल बाइक वाला फील भी ले सकते हो। बाकी जब करें इस बाइक की, अगर नॉर्मल चलाते इस बाइक को तो अपन को ना नॉर्मल बाइक वाला फील मिलने वाला है, बट अगर अपन इसको एग्रेसिव लुक में चलाते हैं किसी फील में चलाते हैं तो ये बाइक तुमको है ना स्पोर्ट्स बाइक वाला फील देने वाली है, नॉर्मल सी बात है, इसका राइडिंग एक्सपीरियंस तुमको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और बात करी जाए इसकी है ना इंजन वगैरह की बात करी जाए, तो जैसे मैंने इस बाइक को इतना चलाया मैंने मतलब कि 4000 किलोमीटर चला दिया, 4210 किलोमीटर चला दिया इस बाइक को, तुमको मैंने रीडिंग भी दिखाई अभी, तो मैं बताना चाहूंगा जो इसके इंजन वगैरह ना वो बहुत सॉलिड है, मतलब कि तुमको कभी ऐसा धोखा नहीं देगा इसके इंजन वगैरह, इसके अंदर जो पावर वगैरह ना बहुत अच्छी दी गई है बजाज की तरफ से, तो मतलब कि इसका जो टॉर्क वगैरह स्पीड वगैरह बहुत अच्छी दी है बजाज की वजह से, मेरे को खुद का पर्सनली मैं बता रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छी लगी। जैसे कि इसकी टॉप स्पीड देखी जाए तो ये 200 सेगमेंट के अंदर KTM को भी कभी कभी पीछे छोड़ देती है अगर देखा जाए तो, बिना अगर कोई भी इसके अंदर स्पीड लॉक है अभी तक कुछ भी इसको स्पीड ओपन नहीं कराई है, बट ये अपनी ऐसी बाइक है जो 10,000 RPM पे जाके ये अपनी बाइक 147 तक टच कर लेती है, जो कि 2 सेगमेंट की बाइक के अंदर सबसे बेस्ट मानी जाती है। भाई इस बाइक के बहुत सारे लवर्स भी है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड को अगर वो चेक करते हुए इसकी पावर को देखते हुए ये है, इस बाइक की जो टॉप स्पीड रहती है 147 रहती है 10,000 RPM पे, बाकी ये बाइक अगर तुम स्पीड अनलॉक करवाते तो 12,000 RPM तक जाती है, और ये बाइक 2 सेगमेंट की होती है 155 तक टच कर लेती है, जो कि इसको है ना 2 सेगमेंट के अंदर 2 लाख के जो आसपास की बाइक आती है ना उसको बेस्ट बनाती है। मैंने इसको चलाई, मैं खुद का राइडिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब कि इसका जो टॉप स्पीड वगैरह ना इसका जो टॉर्क है मतलब कि जो फर्स्ट मतलब बूस्ट करते हैं इसको एस्केलेशन करते हैं तो बहुत अच्छी उठती है, 0 to 30 है ना ये मतलब कि सेकंड्स में चल जाती है, पता भी नहीं लगता कब चल जाती है, तो मैं खुद कॉर्नर से मतलब रिव्यू दे रहा हूँ मतलब इसकी स्पीड को लेकर इसके इंजन को लेकर, तो तुमको स्पीड और इंजन के बारे में ना तुमको बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसका जो इंजन आता है ना 18.7 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 8,000 RPM में प्रोड्यूस करता है और 10,000 RPM तक आराम जाता है, 10,500 RPM तक जाता है आराम से, जो कि मुझे खुद को भी अच्छी लगी ये बात। और बात करी जाए इसकी बॉडी डिजाइन की, तो इसकी बॉडी डिजाइन को बजाज की तरफ से बहुत अच्छा रखा गया है, इसका एग्रेसिव लुक दिया गया है। बात करी जाए इस बाइक के अंदर, तो इसके अंदर मोस्टली कार्बन फाइबर का यूज किया गया है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे मोस्टली कार्बन फाइबर का यूज किया गया है यहाँ पे इसके टैंक पैड के अंदर यहाँ पे, जो कि तुमको एक बहुत अच्छा फील देने वाला है। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे कार्बन फाइबर का यूज किया गया है, इसके अंदर मड प्रोटेक्टर के अंदर भी कार्बन फाइबर का यूज किया गया है, यहाँ तक भी कार्बन फाइबर का यूज किया गया है, तो हर जगह मोस्टली इस बाइक के अंदर कार्बन फाइबर का यूज किया गया है। और इस बाइक के अंदर और बाइक उस देखा जाए R5 MT15 से देखा जाए तो इसके अंदर प्लास्टिक का यूज को कम किया गया है और जो है इसके अंदर फाइबर का यूज को इनहेंस किया गया है, जो मैंने अभी बताया इसके अंदर कार्बन फाइबर के बारे में बताया। तो जैसे कि इसकी बाइक की ड्यूरेबिलिटी है ना उसको बहुत इनहेंस किया है बजाज की तरफ से, इसके अंदर जो है मतलब कि तुम देख पा रहे हो इसकी जो बॉडी को एक बल्क प्रोडक्ट बनाया है, एक रॉ मटेरियल बनाया गया है बजाज की तरफ से, बजाज की तरफ से एक यही बाइक है, मतलब कि अब एक 220 FB आने लगी, बट ये जो बाइक है ना फुल फेयरिंग बाइक बजाज की तरफ से एक दो बाइक है जो ऐसी आती है, और बजाज है ना इसके अंदर टू फेयरिंग बाइक के अंदर कम वो देता है, बट जो इसके अंदर बनाई है ना बजाज की तरफ से तो मेरे को अच्छी लगी है, मैंने खुद ने राइड की इसको, मैं खुद का रिव्यू बता रहा हूँ।
जैसे कि इसका इंजन वगैरह का था, इसकी बॉडी वगैरह कितनी तो बहुत अच्छी थी। इसके बारे में अपन इसके बाद में डिसएडवांटेज के बारे में लास्ट में बात करेंगे। जैसे कि मैंने तुमको इस बारे के बाइक के बारे में बताया कि ड्यूरेबिलिटी थी बजाज की तरफ से बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी रखी इस बाइक के अंदर, और इसका जो वेट है वगैरह वो तुमको है ना इस बाइक के अंदर ज्यादा मिलने वाला है। अगर कंपेयर करें तो 220F और बाइक से कंपेयर करें, KTM वगैरह से कंपेयर करें, वो 144 kg के अप्रॉक्स आती है। मतलब कि R15 जो KTM है 144 kg के आसपास आती है, BS6 2022 वाली। बट अब अगर इस बाइक के बारे में बात करें तो ये 2022 का मतलब कि BS6 मॉडल लास्ट का, तो 2023 के अंदर ही कंसिडर किया गया इसका। तो अपन इस बाइक की वेट के बारे में बात करते हैं, बाइक का वेट तुमको 180 के अप्रॉक्स मिलने वाला है फुल टैंक के अंदर। तो ये बाइक तुमको हैवी मिलती है, बस ये हैवी इसलिए मिलती है बाइक क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है मतलब कि इसके यूज किया गया है बजाज की तरफ से, इसको बिल्कुल रॉ मटेरियल बनाया गया है कि मतलब तुम इसको कितना ही रद्दर चला लो ये बाइक है ना तुमको कहीं भी धोखा नहीं देगी और कहीं भी दम नहीं तोड़ेगी। मतलब कि ये सब चीज़ें इस बाइक के अंदर बहुत अच्छी रखी हुई है। तो ये मैं खुद को मतलब पर्सनली मैंने राइड करी तो मेरे खुद को भी बहुत चीज़ अच्छी लगी इसके अंदर। अब इस बारे के अपन बाद में इसके अंदर डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि इस बाइक के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें रखी गई है जब उनको बुरी भी लगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब अपन बात करते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर डुअल चैनल एबीएस तुमको इसके अंदर मिलने वाला है जो कि है अब तो जो सरकार की तरफ से ये हो गया है कि 155 cc ऊपर जो गाड़ी आएंगी उसके अंदर डुअल चैनल एबीएस आएगा। तो इस बाइक के अंदर तुमको डुअल चैनल एबीएस वाला ही अब मिलने वाला है, जो अब जो सिंपल नॉर्मल आती थी वो तुमको नहीं मिलने वाली, वो कम पैसे की भी आती थी बट अब जो है वो उसको बंद कर दी क्योंकि इसमें जो पावर आती है जो ब्रेकिंग होती है वो बहुत कम होती है। बट इस बाइक के अंदर डुअल चैनल तुमको एबीएस मिलने वाला है। तो इस बाइक की ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक ने ब्रेकिंग की बहुत अच्छी ब्रेकिंग रखी है बजाज की तरफ से, और इस बाइक ने कभी मेरे को ऐसा धोखा नहीं दिया कि मतलब कि यार ब्रेक नहीं लगा, कभी ब्रेक की एफिशिएंसी बहुत कम हो गई, इसकी ब्रेकिंग पैड घिस गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इस बाइक के अंदर। अभी ब्रेक पैड में 5000 किलोमीटर तक आराम से चल जाएंगे, तुमको कोई ब्रेक पैड चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर तुमको डुअल चैनल एबीएस मिलने वाला। तो एबीएस के अंदर ये होता है बेसिकली कि इसके ब्रेक पैड्स वगैरह हैं वो जो तो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम से ज्यादा चलते हैं। और मैं तुमको इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी बताऊं तो मतलब कि बहुत अच्छी ब्रेकिंग एफिशिएंसी है। हर जगह मैंने इसको राइड करी, ऑफ रोड किया तो मिट्टी के अंदर ब्रेक्स लगाए मैंने, इसके अंदर ट्रैक के अंदर भी लगाया, मतलब कि बारिश के अंदर भी चलाई, तो मैंने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, मैंने बारिश के अंदर भी राइड की इस बाइक को। तो मतलब कि जो इसके राइडिंग एक्सपीरियंस है ना बारिश के अंदर भी तुमको ऐसे डर लेने की टेंशन नहीं है कि अपन अगर ओवर स्पीडिंग करेंगे तो बाइक स्लिप होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसका जो बीच वाला एबीएस का ब्रेकिंग है ना सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब कि वो नॉर्मली ब्रेक ऐसे मतलब कि गैप ले लेके लेता है जो कि तुमको अगर बाइक का जो टायर लॉक होने वाला था उससे ब्रेक पहले है ना उसको रिलीज कर देता है, जो ब्रेकिंग है ना इसकी एफिशिएंसी को बहुत अच्छा करता है बाइक। अब बात करी जाए इस बाइक की हैंडलिंग वगैरह की, तो जैसे मैंने इसको तुमको बताया, मैं बोला कि मतलब कि मैंने इसको ऑफ रोड की आ जाएगी चलाई इस बाइक को, इस बाइक की हैंडलिंग तुमको है ना बहुत अच्छी मिलने वाली है। और नॉर्मली कहीं भी अपन इस बाइक को राइड करते हैं नेकड वगैरह को तो अपना जो बैलेंस होता है बिगड़ जाता है, बट ये बाइक ऐसी है मतलब कि इसकी हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छी रहने वाली है। ये फुल फेयरिंग बाइक आती है जिसके अंदर का हैंडल है वही मुड़ता है, बट जो नेकड बाइक आती है उनके अंदर पूरा जो होता है आगे का पूरा फेस वगैरह वो बैंड होता है, बट इस बाइक के अंदर ना तुमको ये बस इसका हैंडल वगैरह मूव होने को मिलेगा। बट ये बाइक तुमको मैं बताऊँ इसके अंदर जो वो था ना मतलब कि इसका अपना वो था बिल्कुल हैंडलिंग वगैरह थी जो भी थी इसकी हैंडलिंग मतलब कि राइडिंग एक्सपीरियंस हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छी मिलती है इस बाइक के अंदर। तुम जैसे भी कहीं भी राइड करोगे अगर तुम लीन भी कर रहे हो ना तो तुमको लीन में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी कि यार अपनी बाइक निकल जाएगी लीन के अंदर से और नीचे से निकल जाएगी। तुम इसके अंदर प्यारी सी लीन मार सकते हो मतलब कि आराम से मतलब कि 90 एंगल 80 एंगल बना के ना तुम इसके अंदर आराम से लीन वगैरह मार सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब कि अगर तुम मतलब कि राइडिंग कर रहे हो, अगर तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तुमको लीन मारनी है तो तुम इस बाइक के अंदर लीन मार सकते हो। कभी भी ऐसा तुमको नहीं मिलेगा कि यार ये बाइक अपने साथ धोखा कर सकती है और अपने नीचे से निकल सकती है। तो तुम है ना मतलब कि अगर इस बाइक को हैंडलिंग वगैरह के ले रहे हो ना तो ये बिल्कुल बेस्ट बाइक है हैंडलिंग की तरफ से देखा जाए तो। आप बात करिए जाए देखो जो नॉर्मली बाइक होती है स्पोर्ट्स बाइक उसके अंदर सब है ना साउंड के पीछे पागल होते हैं, तो सबको है ना बाइक के अंदर साउंड बहुत अच्छी होता है। तो मैं बताऊं इसके अंदर तुमको भी देख सकते हो इसके अंदर कोई एक भी एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं लग रहा है इस बाइक के अंदर। इसके अंदर दो कन्वर्टर आता है, यहाँ पे एक कन्वर्टर आता है जो मैंने कन्वर्टर रखा है, ये जो यहाँ के इस पर दूसरा कन्वर्टर लग रहा है, जो कि इस बाइक के अंदर दो कन्वर्टर तुमको मिलने वाला है। ये जो बाइक आवाज़ आती है यहाँ से मेरे इस बाइक के अंदर कन्वर्टर से आती है, तुमको है ना इसके अंदर जो मतलब कि बिना एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाए 5000 खर्चा बिना करे हुए इस बाइक के अंदर तुमको बहुत अच्छी आवाज़ मिलने वाली है। मैं तुमको एक बार इस बाइक की आवाज़ भी सुनाता हूँ जिससे कि तुमको भरोसा हो जाएगी कि हाँ इस बाइक के अंदर बेस आता है, बहुत तगड़ा साउंड आता है। तो तुम इस बाइक क्या सुन सकते हो, तो तुमको इस बाइक के अंदर ना बेस मिलने वाला है। बाइक के अंदर ना तुमको बहुत अच्छा बेस वगैरह मिलने वाला है बिना किसी एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाए ऐसी पड़ जाए, कोई भी अगर अभी कोई भी एग्जॉस्ट तुमको इंस्टॉल नहीं करवाना वो मतलब कि उसका चालान भी कर सकता है। बट इस बाइक के अंदर कन्वर्टर फिट है पहले से, तो इस बाइक के अंदर तुम्हारा कोई चालान वगैरह भी नहीं होगा। और जिसकी आवाज़ है वो तुमको है ना अगर किसी भी बाइक से कंपेयर करें तो तुमको बहुत अच्छी आवाज़ मिलने वाली है। जो R15 वगैरह आती है उनके अंदर कन्वर्टर नहीं आता, डायरेक्ट जो पाइप आता है वो ही हटवाना पड़ता है तुमको। उसके बाद में तुमको 5000 का एग्जॉस्ट डलवाना पड़ेगा, उसमें है ना तुमसे इससे ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आ जाएगी, बट उस बाइक के अंदर तुम्हारा माइलेज वगैरह बिगड़ जाएगा। और जो सिस्टम है मतलब कि तुमको कोई अगर रोक लिया तो तुम्हारा चालान बहुत अच्छा खासा होगा, तुम्हारे एग्जॉस्ट के ऊपर चालान होगा। बट इस बाइक के अंदर कन्वर्टर पहले से फिट है, तो इस बाइक के अंदर कोई भी चालान नहीं होगा। तुम कितने इसमें है ना मतलब कि थ्रॉटल दे लो, कितनी है ना इसकी आवाज़ कर लो। तो इस बाइक के अंदर एक चीज ये भी अच्छी लगी कि जो है ना ये दो सेगमेंट की ऐसी बाइक आने वाली है, मतलब कि है जो ये बाइक है इसके अंदर जो है ना तुमको बिना एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाई बहुत अच्छी आवाज़ मिलने वाली है। मतलब कि फुल बेस वाली बाइक मिलने मतलब इसके अंदर बेस मिलती है पूरे इसके अंदर। मैं इसके बाद मैं ना एक वीडियो और बनाऊंगा कि बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्टर लगाए हुए और कन्वर्टर हटाए हुए, तुम वीडियो को है ना उस वीडियो को भी देखना तो तुमको डिफरेंस पता लग जाएगा। अभी शायद तुमको कम डिफरेंस पता लगेगा वीडियो के वजह से, बट अगर तुमको मैं
वो दिखाऊंगा ना, बिफोर एंड आफ्टर वाला साउंड दिखाऊंगा, तो इसके बाद में तुमको वो वीडियो देखने को मिलने वाली है, तो उसके अंदर तुम आराम से जज कर पाओगे कितना डिफरेंस बन जाता है ये एग्जॉस्ट का कन्वर्टर को लगे हुए और एक कन्वर्टर को हटाए हुए। आप अगर बात करें इस बाइक की जो मतलब कि तुमको लाइट्स वगैरह मिलने वाले हैं, जैसा कि तुमको बताऊं तो मैं इसके अंदर हैलोजन लैंप्स का यूज मिलने वाला है, जो कि तुमको अगर और भी लगेगा कि यार अपना मतलब 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करें इस बाइक के अंदर और तुमको हैलोजन लैंप्स मिल रहे हैं इस बाइक के अंदर। बट मैं खुद का एक रिव्यू बताऊं ना, मैंने राइड किया स्कॉलरशिप रिव्यू बताऊं मेरा, तो है ना मतलब कि इस बाइक के जो लैंप्स है ना बहुत पावरफुल है, मतलब कि इतने पावरफुल है अगर तुम इसके अंदर 2 सेकंड भी अपना हाथ आगे रखोगे तो तुम्हारे हाथ वगैरह हीट करने लग जाएंगे, बहुत पावरफुल है। अब मैं अगर तुमको दिन के टाइम पे विजिबल दिखाऊं ना, विजिबिलिटी दिखाऊं इन बाइक लाइट्स की, तुम देख पा रहे हो लाइट्स है ना, तुमको आराम से विजिबल होगी आराम से। और ये जो बहुत पावरफुल लैंप्स रखे गए हैं इस बाइक के अंदर, तो तुमको अगर देखा जाए तो तुम अगर आफ्टर मार्केट भी अगर तुमको लाइट्स अगर इंस्टॉल नहीं करवाओ ना इस बाइक के अंदर, तो भी ये जो एफिशिएंट है बहुत, मतलब कि मैं खुद राइड करता हूँ तो इसकी जो लाइट्स है ना ये मतलब कि तुमको आराम से ना 500 मीटर आगे तक का दिखा देगा। एक सिंगल लैंप है इसके अंदर, सिंगल लैंप यूज़ करता हूँ, एक लैंप जो मैं इसके अंदर पास के अंदर यूज़ करता हूँ, मैं मोस्टली हमेशा एक लैंप यूज़ करता हूँ। जो एक लैंप भी है ना वो हाई बीम का है, तो हाई बीम भी है ना बहुत अच्छा इंपैक्ट मारती है तुम्हें रोड पे, तुम आराम से इसके अंदर है ना राइड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, तुमको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। और अगर बात करी जाए इसकी टायर्स की वगैरह विड्थ की वगैरह बात करी जाए, तो इसके अंदर टायर के अंदर तुमको विड्थ वगैरह भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो ऐसा कुछ बजाज की तरफ से इस बाइक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ गंदी रखी नहीं गई है। बट अगर बात करें तो देखो, तो अगर किसी बाइक के अंदर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, ऐसी कोई बाइक भी तुमको नहीं मिलने वाली जिसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है, और डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं है, तो तुमको है ना ऐसी बाइक कोई सी भी नहीं मिलने वाली। अगर इस बाइक के अंदर एडवांटेज वगैरह है तो इसके अंदर डिसएडवांटेज भी है, तो अपन इस बाइक के बारे में अब जैसे मैंने तुमको पूरा बता दिया इस बाइक के अंदर कि क्या क्या एडवांटेजेस थे इस बाइक के अंदर, क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, जैसे कि तुमको मैंने बताया जो इसके मिरर्स हैं ये थोड़े ऐसी है मतलब कि लोकल दिए गए इस बाइक के अंदर, मतलब कि अगर ये अगर कहीं भी अगर नॉर्मली किसी इंसान के अड़ भी जाए ना 30-40 के अप्रॉक्स तो ये टूट जाता है, जैसे कि मेरा ये मिरर था अभी कुछ टाइम पहले टूट गया था। तो अपन इस बाइक के बारे में आप ना डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, पूरी एडवांटेज के बारे में बात करें इस बाइक की, जो भी इस बाइक के अंदर एडवांटेज थे, क्या क्या इस बाइक के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लगी मेरे को। अब इस बाइक की अपन बात करेंगे पूरी डिसएडवांटेज के बारे में। अब बात करते हैं इस बाइक की फिटिंग वगैरह की, तो जैसे कि तुमको पता है नई की नई बाइक है, अभी 4,000 किलोमीटर की, 4-5 महीने पुरानी है बाइक, तो इसके जो फिटिंग मिलने वाली है तुमको बजाज की तरफ से, वो तुम उसकी तरफ से निराश हो सकते हो, हर जगह तुमको गैप मिलने वाला है इस बाइक के अंदर। अब तुम कमेंट करोगे कि यार तुम ऐसे रैश ड्राइव करते हो इस वजह से होगा, बट ये बाइक नहीं है, तुम देख सकते हो यहाँ पे तुमको हर जगह फिटिंग की प्रॉब्लम मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो ये बाइक इतनी फिटिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे गैप है, इस जगह पे गैप है, तुम देख रहे हो इस जगह पे गैप है, बट इस जगह पे है ना गैप नहीं है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे इस जगह पे गैप नहीं है और बट इस जगह पे गैप है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। और जो जैसे कि तुमको मैं दिखाऊँ यहाँ पे देखो कितना गैप है, ये आराम से इसकी बॉडी है जो आराम से ये हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो तुम यहाँ पे कितना वो है, तो इसके अंदर ना हर जगह तुमको है ना वो मिलने वाला है कि गैप्स वगैरह मिलने वाले हैं, इसकी फिटिंग वगैरह के अंदर प्रॉब्लम मिलने वाली है। मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि ये जो गैप्स वगैरह हैं सर्विस के बाद में थोड़े टाइट वाइट हो जाएंगे, थोड़े सही हो जाएंगे, बट इसको इनको कितना भी टाइट करवा लो ये तुम्हारे ना इतना गैप हमेशा रहेगा। मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे पूरा एक गैप है यहाँ पे बना हुआ है, इसको अगर मैं टाइट भी करवा लेता हूँ तो भी एक गैप रहा है, हर जगह इसमें के अंदर गैप मिलने वाला है तुमको, कोई भी ऐसी वो नहीं मिलने वाली। तुमको मैं पीछे वाले मटके के अंदर भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भी तुमको है ना फिटिंग के अंदर प्रॉब्लम मिलने वाली है। देखो ये नई की नई बाइक है, बट यहाँ भी तुमको फिटिंग की प्रॉब्लम मिलने वाली है, हर जगह इस बाइक के अंदर फिटिंग की प्रॉब्लम तुमको मिलने वाली है। देखो मैं खुद का पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ इस बाइक के अंदर ना, तुम ये सिस्टम जो है ना इसके जो भी है अगर तुम ड्राइव ड्राइव करते हो तो सब कुछ हिलने लग जाएगा, जैसे तुम देख पा रहे हो ये वाला जो ये है ना ये अभी से है ना ऐसे से हिलने लग गया, ये तो फिर भी ठीक है, ये वाला अगर ये वाला देखोगे ना तो ये है ना और भी ज्यादा देखो बिल्कुल लूज हो चुका है ये वाला, तो ये सब चीजें ना तुमको इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पे फिटिंग के अंदर प्रॉब्लम मिलने वाली है, हर जगह तुमको फिटिंग के अंदर प्रॉब्लम मिलने वाली है इस बाइक के अंदर, जो कि मेरे को पर्सनली बुरी लगी। अगर तुम देखा 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो इस बाइक के अंदर, तो तुमको है ना इसके अंदर भरपूर तो वाइब्रेशन मिलने वाले हैं और है ना भरपूर इस बाइक के अंदर गैप मिलने वाले हैं। बजाज की तरफ से ना ये बजाज की सबसे बुरी बात है, ये इंजन बहुत अच्छा देते हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, पावर बहुत अच्छी देते हैं, स्पीड बहुत अच्छी देते हैं, बट एक बात करी जाएगी कि फिटिंग प्रॉब्लम की, तो बजाज की अब तक भी जो फिटिंग की प्रॉब्लम है वो जब से ये दुबई की ये अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर है, 5 साल से बाइक 5 या 6 साल हो चुके हैं इस बाइक को, बट इस बाइक के अंदर फिटिंग की प्रॉब्लम है वो अब तक। अब अगर बाइक की बात करें जो कितना तेल पीती है, क्या माइलेज देती है, तेरा घर जाएगा इसमें, तो अपन बात करते हैं इस बाइक की माइलेज के बारे में। अगर मैं तो इसके माइलेज जो है तुमको कंपनी क्लेम करती है 35 का क्लेम करती है, अगर तुम देखोगे ऑनलाइन भी देखोगे तो ये कंपनी जो क्लेम करती है 35 का क्लेम करती है, बट मैं खुद का ऑनरशिप रिव्यू बताऊं, मैंने इसको चलाया 4,000 किलोमीटर चला दिया, ये पता नहीं कितने 50,000 तक का तेल पी गया आराम से 4,000 किलोमीटर चलने पर। कितना ड्राइव कर लो, मतलब कि मोस्टली कमेंट देखता हूं कि भाई तुम रैश ड्राइव करते हो इसलिए बजाज पल्सर है, तुम्हारा अच्छा माइलेज नहीं देती, तुम इसको नॉर्मल राइड करके देखो, तो मैंने इसको हर बाइक हर जगह इस बाइक को राइड करके देखा, तुमको ये बाइक है ना कंपनी 35 क्लेम करती है, ये 35 का माइलेज तुमको ये बाइक कब देगी, जब तुम इस बाइक को आराम से प्रेशर मेंटेन करके टायर्स वगैरह का, और तुम इसको हाईवे पे एक लिमिटेड स्पीड के अंदर चलाते हो, कांस्टेंट स्पीड के अंदर चलाते हो, अगर तुम 60 पे चला रहे हो, अगर तुम 60 पे चलाते रहोगे तो ये बाइक तुमको माइलेज दे सकती है, बात मैं खुद भी मानता हूं। बट अगर बात करें इस बाइक की, अगर तुम इसके सिटी के अंदर चला रहे हो, तुमको ये बाइक बिल्कुल भी माइलेज नहीं देने वाली, तुम अगर इस बात को लेकर डिसअपॉइंट भी होगे, क्योंकि यार पेट्रोल अगर बहुत मेंटेन मतलब कि मायने रखता है 107 अप्रॉक्स हो चुका है 1 लीटर पेट्रोल, तो ये पेट्रोल में ना बहुत ज्यादा पीछे तुमको इसके अंदर प्रॉब्लम होने वाली है। मैं अगर खुद मतलब कि मैं खुद का बता रहा हूँ, तुम कमेंट करोगे कि भाई इससे ज्यादा देती है, तो मैं खुद का ऑनरशिप बता रहा हूँ कि ये वीडियो पूरी ऑनरशिप रिव्यू के बारे में, तो मैं खुद का ऑनरशिप रिव्यू बता रहा हूँ, ये बाइक है ना मैंने इसके अंदर फुल टैंक करवाया, तो ये ना
250-260 किलोमीटर चली, तो ये बाइक है ना मेरे को कभी भी ना 16-17-18 से ऊपर का है ना इसने माइलेज कभी भी नहीं दिया। अगर सिटी की बात करी जाए, अगर हाईवे की बात करी जाए तो हाँ मैं मान सकता हूँ कि इसने 35 का कभी दिया होगा माइलेज, बट मैंने कभी भी इतना गौर नहीं किया। बट अगर बात करूँ मैं सिटी के अंदर चलाता हूँ मोस्टली, क्योंकि मैं हाईवे बहुत कम जाता हूँ, अगर मैं बात करूँ सिटी के अंदर इस बाइक का, सिटी के अंदर तुमको ना 17-18 तक मिलने वाला है, लास्ट 20 मिल जाएगा तुमको। उसे मैंने बताया इस माइलेज के अंदर ना, इस बाइक के अंदर माइलेज तुमको बहुत कम मिलने वाला है, इसके अंदर फिटिंग की प्रॉब्लम मिलने वाली है इस बाइक के अंदर, और इसके अंदर वाइब्रेशन की प्रॉब्लम मिलने वाली है। और अगर बात करी जाए तो अगर नॉर्मल बात, तुम देख सकते हो इसके मिरर्स की जो क्वालिटी है ना वो बहुत पूर रखी, मतलब कि बेकार रखी गई है। एल्यूमिनियम के मिरर रखे गए हैं इसके अंदर, मतलब कि अगर मतलब कि मेरे कुछ टाइम पहले जो राइट हैंड साइड का जो मिरर था ये टूट गया था, बस ये इसलिए टूटा था क्योंकि मेरा किसी बंदे से अड़ गया था, ये अड़ती है ना नीचे गिर गया था, टूट गया था। तो मतलब कि बताऊँ ना तो इसकी मिरर्स की क्वालिटी वगैरह ना बहुत पूर रखी गई है। अगर बात करी जाए अपने R15 की बात करते हैं तो उसके अंदर स्टील का यूज़ किया जाता है, वो थोड़ा मोटा भी होता है, और मतलब कि इसकी जो ब्रेथ वगैरह होती है वो बहुत हाई होती है, बट इस बाइक के अंदर नॉर्मल से मेरे रखे गए हैं, जो कि मुझे खुद को एक बुरी बात लगी, क्योंकि अगर ये मतलब कि मेरी एक बाइक अगर टच भी हुई थी, टच पे ही है ना ये मेरा टूट गया और ये गिर गया था। अपन बात करें इस बाइक की बॉडी वेट के बारे में, जैसे मैंने तुमको बताया इस बाइक का जो बॉडी वेट मिलने वाला है वो तुमको बहुत हाई मिलने वाला है, जैसे कि मैंने बताया 180 अप्रॉक्स इस बाइक का बॉडी वेट मिलने वाला है, KTM R5 से बहुत ज़्यादा हाई मिलने वाला है। तो अपन बात करें इस बोर्ड की बॉडी वेट की, तो ये इसका अगर अच्छी बात भी है, इसके अंदर प्लास्टिक अच्छा यूज़ किया गया, फाइबर का अच्छा यूज़ किया गया, तो इसके एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर ये बाइक गलती से भी अगर अपन राइड करते टाइम, ये रैश ड्राइव करते टाइम अगर ये बाइक गिरती है तो ये बहुत हाई मतलब कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस बाइक को उठाने के लिए भी, क्योंकि इसका जो बॉडी वेट है ना बहुत ज़्यादा हाई है। अकेले एक इंसान से तो तुम ये मान लो उठती नहीं है, अगर वो दो इंसान लगे ना इस बाइक के अंदर तो जाके बाइक उठती है। इसका बॉडी वेट वगैरह बहुत ज़्यादा हाई रखा गया, अब तुम बोलोगे कि यार ये गिरने वाले की बात क्यों, तो मतलब कि ऑनरशिप रिव्यू बताने के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे से भी खुद से भी एक बार गिरी थी, तो ये मेरे से भी खुद से भी नहीं उठी थी, मतलब कि मैं और एक मेरे दोस्त ने उठाई थी इस बाइक को, जब जाके ये बाइक उठी थी, क्योंकि इसका 180 अप्रॉक्स केजी है यार। बात करें इस बाइक के फीचर्स के वगैरह के बारे में, जैसे कि तुमको पता है जो R15 अभी नहीं आ रही, R15 M आ रही है, ये बाइक जब भी ली गई थी, जब R15 वगैरह M जो रिलीज हुई थी, जब इंडियन मार्केट के अंदर आई थी, तो अगर बात करें इस बाइक के अंदर फीचर्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर तुमको एक भी फीचर नहीं मिलना, कोई फीचर इस बाइक के अंदर नहीं मिलना, पूरी खाली है फीचर के मामले में। बात करी जाए इसके अंदर R15 के अंदर तुमको क्विक शिफ्टर मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाला है, इस बाइक के अंदर कोई भी फीचर नहीं मिलने वाला तुमको इस बाइक के अंदर, ना ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक के अंदर है, ना क्विक शिफ्टर है। मेरे को खुद को मिसिंग लगती है, जैसे मैं अगर मड़वा करके अंदर राइड कर रहा हूँ तो इसका जो टायर है वो स्पिन करने लग जाता है, बट अगर जो अपना अट्रैक्शन कंट्रोल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, और वो जो अट्रैक्शन कंट्रोल है अपने टायर को स्पिन नहीं होने देता और अपनी बाइक को निकलने के लिए वो करता है। बट अगर बात है इस बाइक अगर ये मड़वा करके अंदर फंस जाती है, तो अगर जब तक इस बाइक को पीछे से पुश ना करे, इस बाइक को हटाए ना वहाँ से, तो ये बाइक आराम से नहीं निकल पाती। अब बात करें जैसे अट्रैक्शन कंट्रोल की, तो अपन इसके अंदर जब इसको लीन करके मतलब इसको राइड करते हैं, जब अपना हाईवे वगैरह पर राइड करते हैं, तो अट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा अपन को यूजफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर अपन बिना क्लच दबाया फिर भी उसके अंदर गियर को शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, और इंजन है ना अपने आप बता देता है कि इसके अंदर अपन को गियर शिफ्ट करना है। बट अगर इस बाइक के अंदर बाइक की बात करी जाए, इस बाइक के अंदर तुम्हें अट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलने वाला, क्विक शिफ्टर नहीं मिलने वाला। क्विक शिफ्टर एक बहुत चीज आज जरूरी हो जाती है, मतलब कि जब आप इस बाइक के अंदर अगर ड्रैग रेस मार रहे हो, अगर इसके अंदर रेस कर रहे हो, तो क्विक शिफ्टर एक वो होता है जो अपनी बाइक की जो स्पीड वगैरह है उसको एनहेंस कर देता है, एक या दो मतलब कि स्पीड जो अगर 147 जा रही है तो 149-150 तक ले जाता है। बट इस बाइक के अंदर अट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलने वाला तुमको, 2023 का मॉडल आ रहा है, 2024 तक भी इसके अंदर कोई अट्रैक्शन कंट्रोल मिलने नहीं वाला, जो कि मुझे खुद को भी बात लगी। अब बात करी जाए इसके अंदर क्लस्टर वगैरह के बारे की बात करी जाए, तो इस बाइक के अंदर तुमको कोई भी है ना गियर इंडिकेटर नहीं मिलने वाला, इस बाइक के अंदर कोई भी तुमको गियर इंडिकेटर सिस्टम नहीं मिलने वाला, पूरा क्लस्टर खाली है। इस बात को देखी जाए तो इसके अंदर कोई भी तुमको गियर इंडिकेशन नहीं मिलने वाला, फ्यूल टू एम्प्टी नहीं मिलने वाला कि इस फ्यूल के अंदर कितनी चलेगी। बात करी जाए KTM के अंदर, तो ये फीचर तो KTM के अंदर भी दिया गया, बट इस बाइक के अंदर तुमको ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर कोई भी अगर लॉन्ग राइड कर रहा है तो उसको पता रहता है कि इस रेंज के अंदर, इस पेट्रोल के अंदर कितनी बाइक राइड चलेगी, कितनी बाइक नहीं चलेगी। बट ये सब चीज़ें इस बाइक के अंदर पूरी खाली है भाई, ना ट्रैक्शन कंट्रोल, ना किक शिफ्टर इस बाइक के अंदर, ना गियर चेंजर के डिस्प्ले इस बाइक के अंदर, ना फ्यूल टू एम्प्टी इस बाइक के अंदर। ये सब चीज़ें जो फीचर्स है ना आजकल है ना R15 के अंदर भी मिलने वाले हैं, मिल जाते हैं तुमको आराम से, बट इस बाइक के अंदर तुमको एक भी फीचर नहीं मिलने वाला, पूरी फीचर के मामले में खाली है बाइक। तो मैं होप करता हूँ जो तुमको इसके बाइक के एडवांटेजेस तुमको स्टार्टिंग मैंने बताए और जो डिसएडवांटेज पूरे यूजफुल लगे होंगे, मैंने खुद को ऑनरशिप रिव्यू बनाया। अब इस बाइक की सेकंड सर्विस भी आने वाली, मैं उसके ऊपर पूरी डिटेल दूंगा। तो मैं होप करता हूँ जो तुमको वीडियो होगी पूरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पूरी नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिली होगी। और भी अगर कोई ऐसी वीडियो तुमको अच्छी हो तो तुम इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो। तो होप करता हूँ तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं प्यारे वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।